Hello friends, I am Rajnish and I am Karuna. Today, let's explore the magic of Melbourne City, where every corner tells a story. तो घूमिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं घुमक्कर. आज के टूर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक यमी ब्रंच के साथ सारावना भवन में, जो कि फेमस है अपनी ऑथेंटिक साउथ इंडियन कुजीन के लिए, और ये हमारे दिन को बनाता है परफेक्ट. अपने टंग और टम्मी को सेटिस्फाई कर हम चल पड़े पहले स्टॉप की तरफ, विच इज क्वीन विक्टोरिया मार्केट. ये जगह सिर्फ फल और सब्जियों के लिए नहीं है, ये फैशन और आर्ट लवर्स के लिए एक पैराडाइज है. तो चलिए, आइए हमारे साथ और एक्सप्लोर करते हैं क्वीन विक्टोरिया मार्केट के वाइब्रेंट स्टॉल्स को. यहाँ पर मिल सकते हैं लेदर जैकेट्स, जो स्टाइल और वार्मथ दोनों को प्रोवाइड करते हैं, ट्रेंडी ड्रेसेस, जो फैशन को रीडिफाइन करते हैं, और स्टाइलिश टॉप्स, जो हर ओकेजन के लिए परफेक्ट होते हैं. बैग्स की कलेक्शन इतनी डाइवर्स है कि आपको हर स्टाइल और ओकेजन के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा. ब्यूटीफुल कलेक्टेबल आइटम्स भी यहाँ पर हैं, इंक्लूडिंग हैंडमेड पेंटिंग्स, लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट्स, और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है. और हाँ, माय फेवरेट ये कलरफुल शू कलेक्शन. It's so vibrant and tempting. यहाँ घूम फिर कर हमने ट्रैम लिया और कार पार्किंग के लिए चल दिए, और इसी रूट पर है आइकनिक मेलबर्न लैंडमार्क फ्लिंडर्स स्ट्रीट स्टेशन, विच वी विल कवर नेक्स्ट टाइम. लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अगले दिन हम फिर से आ धमके हैं मेलबर्न सिटी में. आज हम जा रहे हैं मेलबर्न के सबसे कूल और कलरफुल स्पॉट पर, ग्रेफिटी लेनवे. गेट रेडी फॉर एन एक्सप्लोजन ऑफ आर्ट, कलर एंड फन. चलिए शुरू करते हैं. जब हमने पहली बार देखा तो लगा जैसे किसी बच्चे ने दीवार खराब कर दी हो, लेकिन फिर ध्यान से देखा तो पता चला ये तो बहुत ही सुंदर आर्ट है. हर एक स्ट्रोक, हर एक कलर में एक कहानी छुपी है. हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ पहुंच गए क्योंकि इस समय यहाँ भीड़ कम होती है. सो इट्स जस्ट अस एंड दीज अमेजिंग आर्टवर्क्स. हर रंग, हर डिजाइन में एक अलग ही मैजिक है. हैट्स ऑफ टू दिस आर्टिस्ट. कुछ आर्ट तो इतने खूबसूरत हैं कि बस इनको देखते ही रहो, और कुछ को समझने के लिए दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं. अब इस वॉल आर्ट से बाहर निकलकर चलते हैं एक और आर्ट की दुनिया में. वेलकम टू एक्मे, ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर द मूविंग इमेज. देखते हैं एक्मे के अंदर क्या क्या वंडर्स हमें देखने को मिलते हैं. एक्मे का एम्बियंस और डिजाइन इतना कूल है, हमें लगा जैसे हम किसी स्काईफाई मूवी का हिस्सा हैं। एक्मे की सबसे फेमस एग्जीबिशन है द स्टोरी ऑफ द मूविंग इमेज. यहाँ हमें मूवीज, टीवी शोज, वीडियो गेम्स और डिजिटल आर्ट का एवोल्यूशन देखने को मिला. और अब आइए देखते हैं, मुझे नहीं, इस शेडो इमेज को, जो मेरी बॉडी मूवमेंट को कॉपी कर रही है. तो क्यों ना इससे थोड़ा डांस ही करवा लिया जाए. इट्स लाइक हैविंग अ शेडो दैट्स प्लेइंग अ गेम ऑफ मिमिकिंग. मजा ही आ गया.
और यहाँ हमने देखे पुराने कैमरास, प्रोजेक्टर्स और फिल्म इक्विपमेंट्स। ये सब देखकर लगता है कि स्क्रीन कल्चर का सफर कितना फैसिनेटिंग रहा होगा। यहाँ हम देख रहे हैं टीवी टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन, कैसे टीवी के शेप और साइज वक्त के साथ साथ बदलते गए, एक सिंपल बॉक्स से लेकर स्लिम फ्लैट स्क्रीन तक। जस्ट इमेजिन, ऑस्ट्रेलिया में 1950 में ही लोगों के लिविंग रूम में टीवी आ गया था। सो एडवांस, इजंट इट? और यह रही एक्मे की एक यूनिक एग्जिबिट, रबर मास्क। ये मास्क होते हैं जो एक्टर्स मूवी में यूज करते हैं अपने लुक्स को चेंज करने के लिए। कितने रियलिस्टिक लग रहे हैं। यहाँ पर हमें वीडियो गेम्स भी खेलने को मिले। ये कार है रेप्लिका ऑफ मैड मैक्स फिल्म सीरीज में यूज हुई कार का, और दूसरा है बुश मैकेनिक्स फिल्म सीरीज की वन ऑफ द कार का। ये ऑस्ट्रेलिया बेस्ड फिल्म सीरीज थी। एक्मे में हमने लगभग एक घंटा बिताया और एक्सप्लोर किया बहुत सारे क्रिएटिव वंडर्स को और सिनेमेटिक मार्वल्स को। अब हम तैयार हैं टू मूव टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट लाइब्रेरी ऑफ विक्टोरिया। द स्टेट लाइब्रेरी ऑफ विक्टोरिया नोन फॉर इट्स इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर एंड रिच हिस्ट्री। यह लाइब्रेरी 1854 में बनाई गई थी। इसकी आइकनिक डूम्ड रीडिंग रूम ज्ञान और अध्ययन का प्रतीक माना जाता है। I was amazed to know that library में 2 million से भी ज्यादा किताबें हैं, and lots of precious manuscripts भी यहाँ पर हैं। It's like a heaven for researchers and book lovers। यहाँ पर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं फिक्शन, नॉन फिक्शन और रेफरेंस बुक्स। इसके अलावा स्पेशल कलेक्शंस जैसे मैप्स, फोटोग्राफ्स और चिल्ड्रंस कलेक्शन भी यहाँ पर हैं। ये लाइब्रेरी विक्टोरिया की हिस्ट्री और कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हुए हर एक विजिटर को एक अद्भुत सीखने और एक्सप्लोर करने का मौका देती है। हमने लाइब्रेरी में अप्रोक्सीमेटली 2 hours स्पेंड किए, उसके वास्ट कलेक्शंस को एक्सप्लोर किया और रीडिंग एरिया के शांत माहौल में लुत्फ उठाया। इट्स मोर देन अ लाइब्रेरी, इट्स एन इमर्सिव जर्नी थ्रू क्रिएटिविटी एंड हिस्ट्री, ऑल अंडर वन रिमार्केबल रूफ। हमने मेलबर्न सिटी में 2 दिन काफी मजेदार गुजारे और कुछ नई जगह को भी एक्सप्लोर किया। अब हम और भी नए एरिया को डिस्कवर करने का प्लान बनाएंगे, तो आप भी हमारे साथ बने रहिए और मजे करते रहिए, क्योंकि हम हैं घुमक्कड़।